राजधानी दिल्ली में लगातार बीते कई दिनों से हो रही बारिश से जलभराव की समस्या कई इलाकों में देखी गई और अब इलाकों में डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस राजधानी दिल्ली में लगातार क्षेत्र के निगम पार्षद अपने इलाके में जाकर खुद मदद का काम कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी निगम पार्षद सीमा भूपेंद्र मलिक ने सैनिटरी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लोधी कॉम्प्लेक्स इलाके में सैनिटाइजेशन का काम किया और नालियों को भी साफ कराया। बीजेपी निगम पार्षद सीमा भूपेंद्र मलिक साफ सफाई का कार्य करने के लिए खुद मौके पर मौजूद थीं और सफाई कर्मचारी नालियों को साफ किया, इसके साथ ही इलाके में सैनिटाइजर का काम किया। बता दें, दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से इलाकों में जलभराव की समस्या हो गई है। ऐसे में जलभराव होने के कारण क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारी भी पनप रही है। इस बीच निगम पार्षद मौके पर पहुंची और खुद निगम कर्मियों के साथ साफ सफाई करवाई। निगम पार्षद ने बताया कि उनका दायित्व है कि क्षेत्र की जनता का ध्यान रखना और दिल्ली में हो रही बारिश के चलते जगह जगह पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है और गंदगी के कारण मलेरिया और डेंगू की संभावना है। इसी को देखते हुए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ वह इलाका साफ करने के लिए आई और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें चुना है और वो जनता का ख्याल रखना उनका कर्तव्य है। देखिए, आज हम अपने लोधी रोड कॉम्प्लेक्स में हमारा पूरा साफ सफाई का और ये पूरे स्टाफ को लेके जो भी एमसीडी के अंडर आते हैं, चाहे उसमें मलेरिया है या आपका हॉर्टिकल्चर का है, इलेक्ट्रिकल स्टाफ है, सैनिटेशन का है, सभी को हम यहाँ लेकर एक ड्राइव चला रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में जो बारिश हुई उसकी वजह से काफ़ी जगह वाटर लॉगिंग थी। बहुत से लोगों के फ़ोन आए कि हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि जो रेन वाटर ड्रेन है वो बिल्कुल ब्लॉक पड़े हुए हैं। तो उस दिन भी हमने जेटिंग मशीन भेजी थी, बट अब बारिश जैसे बंद हो गई तो हम जहाँ मेन क्योज है, जहाँ मेन प्रॉब्लम है, वो देखने के लिए फिर से जेटिंग मशीन आई हुई है। और हमारा पूरा स्टाफ मलेरिया का, जैसे बारिश का टाइम चल रहा है तो डेंगू मलेरिया का भी खतरा बना रहता है, तो यहाँ पर जितने भी कूलर वगैरह हैं या आपके रेन वाटर ड्रेन जिनमें पानी खड़ा हुआ है या कहीं पर वाटर लॉगिंग है, पूरा स्टाफ आया हुआ है, चेक कर रहे हैं, दवाइयाँ डाल रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं कि कूलर वगैरह अपना टाइम से खाली करें, उसमें पेट्रोल डालें या दवाई इनको जो दे रहे हैं वो डाल दें। ये सारी चीज़ें चल रही है। पार्कों की हालत बहुत ख़राब है यहाँ। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी जो घर के बच्चे हैं वो खेल नहीं सकते या महिलाएं बैठ नहीं सकती। अभी पिछले दिनों हमने यहाँ पर अपने फंड से बेंच भी लगवाए थे। तो जो सफाई का इशू है वो तो डे टू डे का होता है, फिर भी यहाँ पर हर हफ्ते किसी न किसी पार्क में सैनिटेशन की ड्राइव चलती है, पार्क को साफ़ किया जाता है। आज भी हमारा सैनिटेशन का स्टाफ आया हुआ है, पार्कों को साफ कर रहा है, साथ साथ में जो कूड़ा है उसको भी उठा रहा है। DDSL का टिपर भी बुलाया हुआ है, जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट भी आया हुआ है। जो अभी बारिश हुई थी तो कुछ लाइट्स में इशू है, जो वर्किंग नहीं है या कोई वायरिंग की प्रॉब्लम है, उनको चेक कर रहे हैं। पूरे एरिया की लाइट ऑन करवा दी गई है, जो जो ख़राब है उनको तुरंत अटेंड कर रहे हैं और जहाँ पर एडिशनल लाइट की रिक्वायरमेंट है वो भी हमने नोट कर ली है। और एक छोटा सा प्लांटेशन भी करेंगे हम, बारिश का मौसम है तो प्लांटेशन भी ज़रूरी है। पिछले दिनों हमने देखा कि कितना ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो सबको समझ आ रहा है कि प्लांटेशन और ग्रीनरी बहुत ही ज़रूरी है। छोटा सा प्लांटेशन लोगों से किस तरीके से अपील करना चाहेंगे, पानी जमा हो जाता है, डेंगू भी हो सकता है? जी बिल्कुल, लोगों को हम समझा रहे हैं बाकायदा, लोगों को बाहर निकाल के कि आप अपने कूलर का ध्यान रखिए, हर हफ्ते उसको साफ कीजिए, उसमें दवाई डालिए, अगर कहीं पर पानी खड़ा हुआ है तो उसकी फ़ोटो खींच के हमें भेज दीजिए, एड्रेस के साथ हम वहाँ पर दवाई डलवा देंगे। या आप खुद से भी एक ढक्कन पेट्रोल भी डाल सकते हैं या सफाई वालों को लेकर उस पानी को इधर उधर करवा सकते हैं ताकि उसमें ब्रीडिंग ना हो। क्या नाम है आपका? सुरेखा ठाकुर। सुरेखा जी, जो आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, किस तरीके से एमसीडी डिपार्टमेंट काम कर रहा है? देखो, यहाँ तो अभी 3-4 दिन पहले बारिश हुई है, 3-4 दिन लगातार बारिश हुई है और यहाँ पे बहुत सारी पानी भरा हुआ था, लेकिन सीमा मलिक जी ने यहाँ पे जो मशीन भेज के वो पानी निकाला तो हमें वो सुविधा मिली, नहीं तो हम बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि घुटनों तक पानी भरा हुआ था। यहाँ पे आए दिन ऐसे ही होता रहता है। अभी भी बिजली का जो करंट है हमारे घरों में भी आ रहा है, क्योंकि हमने जैसे बिजली जला रहे हैं तो उस स्विच में भी करंट आ रहा है और दरवाज़ों में करंट आ रहा था हमारे, तो ये प्रॉब्लम आ रही है हमें यहाँ पे। जब पानी भर गया था तो आपने निगम पार्षद को क्या शिकायत दी थी या फिर खुद से? नहीं, हमने तो नहीं दी थी, इन्होंने ही दी थी, जो हमारे प्रधान जी है ना, इन्होंने ही करा था वो काम हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुरेखा ठाकुर। सुरेखा जी, जो आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, किस तरीके से एमसीडी डिपार्टमेंट काम कर रहा है? देखो, यहाँ तो अभी 3-4 दिन पहले बारिश हुई है, 3-4 दिन लगातार बारिश हुई है और यहाँ पे बहुत सारी पानी भरा हुआ था,
लेकिन सीमा मलिक जी ने यहाँ पे जो मशीन भेज के वो पानी निकाला तो हमें वो सुविधा मिली, नहीं तो हम बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि घुटनों तक पानी भरा हुआ था। यहाँ पे आए दिन ऐसे ही होता रहता है। अभी भी बिजली का जो करंट है हमारे घरों में भी आ रहा है क्योंकि हमने जैसे बिजली जला रहे हैं तो उस स्विच में भी करंट आ रहा है और दरवाजों में करंट आ रहा था हमारे, तो ये प्रॉब्लम आ रही है हमें यहाँ पे। जब पानी भर गया था तो आपने निगम पार्षद को क्या शिकायत दी थी या फिर खुद से? नहीं, हमने तो नहीं दी थी, इन्होंने दी थी, जो हमारे प्रधान जी है ना, इन्होंने ही करा था वो काम हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मैं संजय कुमार यादव, ये CPWD का पूरा ये परमाइसिस है और उसके बावजूद भी हमारी जो निगम पार्षद हैं सीमा भूपेंद्र मलिक जी, इनका इतना सहयोग रहता है, चाहे वो सफाई अभियान का हो या जैसे अभी बारिश हुई है सीवरेज ब्लॉकेज वगैरह का, या जैसे सैनिटाइजेशन वगैरह, सारा कुछ जो भी है इनका पूरा सहयोग पूरी कॉलोनी को मिलता है। और जब भी इनको किसी भी चीज़ के लिए ये मतलब रेजिडेंट वेलफेयर के लोग याद करते हैं तो एनी टाइम उपलब्ध रहते हैं। भैया जी भी हैं भूपेंद्र मलिक जी भी, वो किसी भी समस्या का अगर जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो निगम पार्षद को लेकर के किसी भी समय कोई भी दिक्कत अगर कॉलोनी वालों को हो रही है तो उसके लिए उपलब्ध रहते हैं। और इनकी तरफ से कोई वो नहीं है, इनका क्षेत्र नहीं है ये, परमाइसिस CPWD का एरिया है, उसके बावजूद ये मतलब आ करके चाहे सैनिटाइजेशन हो चाहे फॉगिंग हो, अभी जैसे डेंगू मलेरिया का वो है तो सारा वो सब वो करवा रहे हैं, छिड़काव करवा रहे हैं कि कॉलोनी वालों को कोई दिक्कत ना हो। तो इनका पूरा सहयोग सीमा मलिक जी जो हमारी निगम पार्षद हैं 58 वार्ड की, पूरा मिलता रहता है और इनकी तरफ से कोई भी वो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जब भी याद करते हैं सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं हमारे लोगों के लिए। मलेरिया डिपार्टमेंट भी आज काम कर रहा है? मलेरिया डिपार्टमेंट इनके MCD में जितने भी इनके अधिकार क्षेत्र में कार्य मतलब करने वाले आते हैं सारे लोगों का भरपूर समर्थन मिलता है हमारे निगम पार्षद जो सीमा मलिक जी हैं, तो किसी भी तरीके का मतलब कि जैसे दिक्कत नहीं है, जैसे जो भी होता है ये अपना अपने आप भी कोई अगर जैसे कंप्लेन करता है कि छिड़काव नहीं हुआ, वाटर ब्लॉकेज है, सीवरेज ब्लॉकेज है, हर चीज़ के लिए अपना ये MCD के लोगों को जो कार्य इनके मतलब कि अंडर करने वाले होते हैं सर, आज भी सैनिटाइजेशन की गाड़ी आई हुई है, मलेरिया के छिड़काव की कहीं मतलब प्रॉब्लम ना हो, सारे लोग पूरा इनका दस्ता चल रहा है और कॉलोनी वाले तो इनसे बहुत प्रसन्न हैं।